हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बॉटनी का पार्ट 3, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिमेनिंग ब्रांचेज ऑफ बॉटनी का, और जो है मैं आपको इसका जो है पूरा डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा कि जो बॉटनी की जो ब्रांचेज हैं उनका क्या क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो ब्रांचेज ऑफ बॉटनी पार्ट 3, तो इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कुछ और ब्रांचेज बॉटनी की और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ब्रांच है बॉटनी का, वो है आपका लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेनोलॉजी। ठीक है, जैसा आपको नाम से लग रहा है लाइकेनोलॉजी, तो यहाँ पे आपको किसकी स्टडी करनी है? लाइकेंस की। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर ब्रांच ऑफ बॉटनी की, जो की है माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो माइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फंजाई की, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, बहुत से फंजाई है, जैसे आपका एस्परजिलस हो गया या आपका एगेरिकस हो गया, तो ऐसे करके आप बहुत से एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच हम देख लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, या कहीं कहीं इसमें पूछ लेते हैं एल्गोलॉजी, तो जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है इसमें आपको फाइकोलॉजी दिया जाता है, क्योंकि अगर एल्गोलॉजी पूछेंगे तो आप जो है इजिली इसका आंसर दे देंगे। तो ये और माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, दो चीज में आप डिफरेंस देखिए। तो फाइकोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं एल्गी की, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहे तो आपको पता होगा बहुत सी एल्गी, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है, आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, ऐसे उडोगोनियम हो गया, उडोगोनियम, तो ऐसे करके आपको बहुत सी जो है एल्गी है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी फाइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? तो पोमोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फ्रूट्स की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच। तो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो आपकी है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी, ठीक है, तो आपको जैसे नाम से लग रहा है टेरिडो मतलब कि यहाँ पे स्टडी किसकी होती है? टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, एग्जांपल आप ले लें तो आपका सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, ठीक है, आपका सेलाजिनेला हो गया, यूकार्पस एक्टो, सॉरी एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ईटीसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हम ब्रांच देख लेते हो, तो नेक्स्ट अगर आपकी बात करें तो स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, तो स्पर्मोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं? सीड्स की, तो स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायरोलॉजी की, तो एज अ नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि आप जो इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ वायरसेस, तो स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्वीकल्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वी कल्चर या इसका दूसरा नाम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट्री। क्लियर, तो इसमें हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की, तो स्टडी दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स।
इज कॉल्ड सिल्वी कल्चर और फॉरेस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट एंथोलॉजी, नेक्स्ट क्या आपका हो गया एंथोलॉजी। ठीक है, तो एंथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, फ्लावर्स की, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर हम लोग स्टडी क्या करते हैं, फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स की। तो स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि उन फ्लावर की स्टडी, उन प्लांट्स की स्टडी करते हैं विच हैव द एबिलिटी टू यील्ड फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए कुछ और हमें इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेज बॉटनी की वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच जो है वो है लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। ठीक है, तो लिम्नोलॉजी में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स की। तो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ओलेरी कल्चर, नेक्स्ट क्या है ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स, वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स इज कॉल्ड ओलेरी कल्चर। क्लियर। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी, नेक्स्ट क्या है हमारा फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में हम लोग स्टडी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है, अगर हम लोग जो है किसी किसी बीमारी के लिए, कोई अगर हम लोग वैक्सीन बनाते हैं या हम लोग कोई भी ऐसा कुछ इंजेक्शन बनाते हैं या कोई भी ऐसी दवाई बनाते हैं, तो उसका जो एक्शन हम लोग देखते हैं कि उसका क्या इन्फ्लुएंस लिविंग सिस्टम पे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसा अभी कोरोना के टाइम पे चल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन बनाई जा रही है, तो उसके लिए ट्रायल चल रहे हैं कि अगर हम कोई एक्सटर्नल कोई केमिकल जो है अगर किसी की बॉडी में डालेंगे तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होगा, कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे जो है उसके अगेंस्ट जो है एक्शन करेगा। तो इन सब की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है टॉक्सिकोलॉजी, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजंस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। तो इसमें अब लोग देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में कि एक पॉइजन का जो है उसका नेचर कैसा है, और साथ ही साथ अगर हम उसे किसी प्लांट या एनिमल में इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइजन का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा है एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, तो एक्सोबायोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ possibility of life in the
आउटर स्पेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सोबायोलॉजी में जैसे नाम से आपको लग रहा है एक्सो, तो ये एक्सो क्या है, यानी कि अदर स्पेस, और बायोलॉजी क्या होगी आपकी लाइफ, तो स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस, यानी कि जैसा हमें पता है अभी तक सिर्फ अर्थ पे ही जो है लाइफ को खोजा जा चुका है, या अर्थ पे ही लाइफ जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन हमें पता नहीं कि दो आउटर स्पेस है या दो अदर गैलेक्सीज है कि वहां पे कोई ऐसा प्लैनेट है कि जहां पर जो है लाइफ जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो एक्सो बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने आपके डिस्कस किया ऑलमोस्ट 15 ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की, तो आई होप आपको जो है अच्छे समझ में आ गई होंगी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बॉटनी और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।